तो चलिए हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, टैक्स कैटेगरी के सॉल्यूशंस के बारे में। तो जैसे यहाँ बी ई एफ जी एच कितना काउंट करना है, तो हमने बताया था आपको कि हम लेन लेंगे, बट तो प्रॉब्लम यह है कि अपर केस लोअर केस का फंडा है, तो हम अपर फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। नहीं, इसमें अपर लगाने की जरूरत नहीं है, लेन से कोई मतलब नहीं, सर सूट में लगाना होगा। अगेन वापस लेन, और लेन और लेन के अंदर हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो ऊपर बी है, अब यहां पे मुझे अपर का फॉर्मूला लगाना होगा कि अपर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर यहां पे वापस अपर और इसको सेलेक्ट कर लिया, और हमने बोल दिया ब्लैंक, और एंटर प्रेस कीजिए 2R। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें A2 का A फ्रीज करना होगा, यहां भी A2 है इसका भी A फ्रीज करना होगा, और B1 का सिर्फ 1 फ्रीज करना होगा, और फिर इसको हम आसानी से ड्रैग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर दें। अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज करते हैं तो टेक्स्ट बिफोर का इस्तेमाल करेंगे आप, तो यहां पे दे देंगे स्पेस और टेक्स्ट आफ्टर का, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे। बट पुराना एक्सेल यूज करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएं, इसको लें, और इसमें सर्च या फाइंड का फॉर्मूला, इसमें दे स्पेस कॉमा, हमने सेलेक्ट को सेलेक्ट किया कॉमा 1 और -1, कि आपका लास्ट नेम अलग हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट नेम। लास्ट नेम के लिए भी हम सेम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट के फॉर्मूले में बोलेंगे इसकी जो लेन है, लेन माइनस फाइंड, सॉरी फाइंड या सर्च, फाइंड हमने यहां पे दिया स्पेस, और वापस हमने इसको सेलेक्ट किया तो कॉमा 1 के जगह पे अगेन फाइंड, क्योंकि वहां यहाँ 1 दे देंगे तो पहला जो है पहले पहला स्पेस दे देगा, राम के बाद का स्पेस दे देगा, मतलब सिंह के बाद चाहिए ना, तो यहाँ पे अगेन स्पेस लगाया और इसको सेलेक्ट किया और कॉमा 1 प्लस 1, तो ये आपका राइट फॉर्मूला राज को दे देगा। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब सिर्फ दो नाम है, जब सिर्फ दो नाम होगा वहां एरर आएगा, तो यहां हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा, और इफ एरर के फॉर्मूले में हमें एक और फॉर्मूला यहां ऐड करना होगा, राइट वाला, सिंगल का सिंगल स्पेस वाला, कि राइट हमने इसको लिया कॉमा इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस फाइंड, फाइंड के अंदर हमने बोला स्पेस कहां से A5 एंड कॉमा 1, सिंपल है। अब देखिए सिंगल आ गया। अब आपके पास लेटेस्ट एक्शन है तो सिर्फ दोनों फॉर्मूला यूज करें, अदरवाइज इस तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करने हो। क्वेश्चन नंबर 3, अब तीनों को मुझे कंबाइन करना कि जो है यहां पे मनीष कुमार, तो यहां पे हमने लिखा मनीष कुमार एट द रेट N% लगा दिया, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं यहां पे मनीष कुमार को सेलेक्ट किया N%, और यहां पे लिखा हमने स्पेस वर्क फ्रॉम स्पेस N%, और यहां देंगे टेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि डेट है, डेट नॉर्मली नहीं होगा, यहां पे देंगे DD/DD/YYYYY कॉमा, फिर N% इनवर्टर कॉमा स्पेस 2 स्पेस, फिर N% अगेन टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इस बार C को सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे DD/DD/YYYY जो फॉर्मेट है जैसा, उस तरह से हमने लिख दिया और एंटर प्रेस किया, आ गया बिल्कुल सेम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं,
रैट के दो और एग्जाम्पल्स, एक तो एग्जाम्पल मैंने दिया था, चलिए एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे देते हैं, एक दो एग्जाम्पल और यहां पर हम आपको देते हैं। हमने आपको यहां पे दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे हमारा प्लस में भी है और यहां पे माइनस भी है, और यहां पे हम जो है पाई चार्ट लगाना चाहते हैं यहां। तो इसके लिए हम इफ फॉर्मुलाइज करेंगे कि इफ अगर ए लेस देन जीरो है तो रैप फॉर्मूला, और इसमें हमने लिया ये वाला कॉमा एबीएस। एब्सोल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस को प्लस में करना पड़ेगा, माइनस रैप फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करता है, डिवाइड बाय साइन अदरवाइज प्लान। तो जहां जहां माइनस है वहां वहां आपको ये नंबर आ गया। अब इसके ऊपर ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट अप्लाई कर दिया और इसको हमने यहां से ले लिया। अब सेम फॉर्मूला हमने यहां पे कॉपी करते हैं और इसमें बस हमें क्या कर देना है, ग्रेटर देन जीरो, और इसको नीचे तक कर देना है ट्रैक। इसके ऊपर भी ब्रिटैनिक नाम का फॉन्ट अप्लाई करना है, ब्रिटैनिक बोल्ड, और इसको हमें करना है ग्रीन, और इसको करना है ए, और इसको करना है हमें रेड। फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, मोटा, इसमें मोटा वाला बॉर्डर लेते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं, और नीचे सेम राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, मोटा वाला बॉर्डर ऊपर में डाल देते। अब यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस, और पेज लेआउट में जाके हम ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक बार चार्ट का यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का बन गया। इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको इंसर्ट मेनू बार जब पढ़ाया था तो एक चीज हमने बताया था, ये हमने बताया था तीन यहाँ चार ही करते हैं, यहाँ इंसर्ट में स्पार्क लाइन होता है या कॉलन, तो लाइन तो नहीं बट कॉलन को हम ला सकते हैं इस तरह के कॉलम। कैसे लाएंगे, तो रैप फॉर्मूला से देखिए, और इसमें हम कैर का भी यूज करेंगे। तो रैप रैप फॉर्मूला में हमने दिया ए वाला मेथड कॉमा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि इतना बार रिपीट करना है, फिर एन परसेंट हम यहां देते हैं कैर 1 0 तोड़ने के लिए, फिर एन परसेंट। अब इसी चीज को हमें करना है रिपीट चार, लेकिन चार बार में एच टू की जगह पे हो जाएगा यहां पे आई टू, फिर एन परसेंट, फिर पेस्ट करते हैं, अब आई टू की जगह पे हो जाएगा जे टू, फिर एन परसेंट कर देते हैं, इस बार कैर नहीं लगाते हैं। और ये हमारा आई टू की एच टू यहाँ पे हो जाएगा की एंटर प्रेस, कुछ इस तरह से आया। तो सबसे पहले इसके ऊपर ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट अप्लाई करेंगे, BRI ब्रिटैनिक बोल्ड, उसके बाद इसमें करेंगे हम रैप टेक्स्ट यहां से, और फिर इसको हम चेंज करेंगे -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट, अब ये थोड़ा तो सही नहीं दिख रहा था, ये छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, दो बड़ा दिख रहा है, बट यहां देखिए ये सारा समान दिख रहा है। इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो यहां पे हम वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे या नंबर वैल्यू को लगा के इसको कन्वर्ट कर लें, या फिर इसमें आप +0 कर दीजिए या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिए, फिर भी आपका कन्वर्ट
हो जाएगा। ये थी हमारी टैक्स की सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो टैक्स कटेगी के फॉर्मूले को दोबारा देखें और फिर आगे हम बात करें। थैंक यू।